के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं 5.2 के सूत्र में। एक्चुअल में जो ए है बच्चों, जैसे कोई भी हम श्रेणी लें 10 और 10 और हमने उसमें 8 जोड़ा 18 और 18 और 8 26 और 26 और 8 34 इस तरह से ये एक एपी तैयार हो गई। अब अगर हम आपसे पूछें कि आप इसका 24वां पद ज्ञात कीजिए या 26वां पद ज्ञात कीजिए, 26वां पद ज्ञात करना है आपको इसी को, तो अगर हम इसको जोड़ते हुए पहुंचेंगे, जोड़ते हुए +8+8 तो हमारे को बहुत वक्त लगेगा बच्चों। तो इसके लिए ये सूत्र एक बना रखा है, उसके बारे में आप समझ लीजिए। एक्चुअल में ये ए है, ए क्या है बच्चों 10, A1, A2 में क्या किया 10+8, A3 में क्या किया 10+8+8, A3 में 4 में क्या किया बच्चों 10+8+8+8। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहां पे कितनी बार, 3 बार ऐड किया, यहां 2 बार, तो यहां पे एक पद की संख्या कम रहती है, जो भी पद होता है उससे एक कम। तो वो जो सूत्र है an का वो है a+n-1 × d। बुक में आपको डिटेल में मिल जाएगा बच्चों, डार्क कलर में, गहरे कलर में ये सूत्र होगा जो 5.2 को हल करवाता है। और तीसरा चैप्टर जो युगपत समीकरण का था ना xy वाला, उसका भी बार बार में यूज है उसमें an। जैसे इसी में 26वां पद ज्ञात करना है तो a26 की वैल्यू यानी प्रथम पद 18 प्लस n का मान 26 माइनस 1 और d कितना चल रहा है।